हमारा भी फर्स्ट टाइम है, हमने पहले नहीं बिन किया कभी। बट जहाँ पे हमने जाना है वो बाहर की तरफ जाना है। तो जा रहे हैं कन्नू में अपन। आप सब लोगों का नए दिन के नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अमेरिकन ब्लॉग्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं जो सब्सक्राइब करूँगा जरूर दबाइए और वीडियो जरूर देखिए। करते हैं अच्छे नए ब्लॉग की शुरुआत। देखिए प्रमुख का नाम बोलो जैसे है। आज हम जा रहे हैं बीच पे। बीच पे फ्रेंड्स, अभी बोला था आप पीछे, बताया था आप लोगों को 2-3 दिन का वेकेशन है, हमने कहा कि बीच पे चले जाते हैं, बट हम जा रहे हैं सिर्फ 1 दिन के लिए। कौन सी बीच पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बोलते हैं इसको बीच है, मिनी बीच बोलते हैं, बट वहाँ पे चल के आप लोगों को बताएंगे। मज़ा आने वाला, हमारा भी फर्स्ट टाइम है, हमने पहले नहीं बिन किया कभी। तो हमने कहा कि आज छुट्टी है तो मौसम भी बढ़िया, जा आते हैं, थोड़ा बहुत इन्जॉय कराते हैं, बच्चे भी इन्जॉय कर लेंगे और फिर घर आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल डे के साथ, ब्यूटीफुल ब्लॉग के साथ, आप लोगों के साथ। हमें था कि हमें करीक पे जाना, बट आ देखो हम कहाँ गए गाइस, कितना बढ़िया नज़ारा, मज़ा आ गया देख के। यहाँ पे आओ, बैठ जाओ और एंजॉय करो। ये पूरा डैम है इनका, आप नीचे देखोगे ये डैम बना हुआ। बट जहाँ पे हमने जाना है वो बाहर की तरफ जाना है, हम गलत आ गए। बट यहाँ पे लोग देखो बोटिंग वगैरह भी कर रहे हैं। देखो इतनी दूर है बोट, आपको यहाँ से दिखा रहे जूम जूम कर करके। यहाँ पे हम खाने, लो फ्रेंड्स एंजॉय करो, कितना बढ़िया नज़ारे। अभी फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, फ़ोटो खींच के फिर हम जाएंगे क्रीक की तरफ। लो फ्रेंड्स, अपने टोपी यानी पहन ली, सब कुछ पहन लिया, बट गर्मी बहुत ही ज़्यादा हुई हुई है तो बच्चे अभी सो रहे हैं अंदर। हमने कहा कि फटाफट फ़ोटो खिंचवा लो, यहाँ पर भी नज़ारे अच्छे हैं, फिर आगे चलते हैं। नीचे जेट स्की चल रही है, इतनी बढ़िया, ये लोग अपनी लेके आते हैं। और बंदा कहाँ चला गया, इधर आ जाना, इधर की तरफ बंद किया हुआ। आप देखो कि ये इन्होंने बनाए हुए कि इधर की तरफ मत आओ, उधर उधर की तरफ घूमो। बंदा ही पता नहीं कहाँ चला गया, इधर पेड़ों के पीछे लुक गया। आ जा बंदिया, बंद हो गई, पेट्रोल ख़त्म, पता नहीं क्या हुआ। बाकी लोग अपना इन्जॉय कर रहे हैं, फन है। चलिए गाइस यहाँ से निकलते हैं, कितना बढ़िया नज़ारा है। और जी पहुँच गए फाइनली अपनी मिनी बीच पर, मज़ा आ रहा फ्रेंड्स। देखो लोगों ने अपने लगाई हुई हैं, नहाओ अंदर, एंजॉय करो, फन करो। उधर की तरफ बोट का, इधर की तरफ नहाने का। और जी फाइनली छोटी बीच पे हम पहुँच गए, मिनी बीच पे। यहाँ पर दिखा रहे थे कि यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए, उधर की तरफ आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो। और जा रहे हैं कन्नू में अपन कायाकिंग करने, बट बहुत रश पड़ा हुआ फ्रेंड्स, लोग बहुत आए हुए हैं, बस धीरे धीरे जा भी रहे हैं। बट इन्होंने ये येलो वाला रखा है कि यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। उधर की तरफ रश ज़्यादा ही है, इधर की तरफ जगह खेलर है, बट इधर की तरफ बहुत लोग आए हुए हैं। लॉन्ग भी करना ना तो सभी आ जाते हैं एंजॉय करने। लो फ्रेंड्स, आप लोग भी मिनी बीच एंजॉय करना। वैसे तो है बीच, देखो रेत रेत पड़ी हुई है, वैसे उधर की तरफ लेक बोल देते हैं, इसको क्रीक बोल देते हैं, बट उधर लोग अपना एंजॉय करते रहते हैं, इधर अपने बच्चे सारे एंजॉय कर रहे हैं। तो कोई अपनी जेट स्की भी ले आया, उधर गया बंदा अपनी जेट स्की इधर भी अनलोड करके, और अभी जाएंगे जेट स्की के ऊपर। बट हमें 2-3 घंटे हो गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा भी लिया। ये देखो एक और बोट उतारने आया बंदा, यहाँ पे बोट उतारेगा, ट्रक के साथ बांधा हुआ, पीछे पानी में उतार के सीधा ट्रक करके ले जाएगा और आप बोट में चढ़ जाएगा। फन होता है ऐसे भी, एंजॉय करते हैं लोग। जाओ नहाओ पानी में, थोड़ा सा क्राउड है। फन ले गया ऊपर और इधर से बोट आ गई। लो जी दोस्तों, आंटी जाने लगी है, स्की करने लगे हैं। बाय बाय गाइस, बाय बाय। आंटी चला रही है, साथ में पीछे आंटी की लड़की है। चलो जी आंटी खींचना, लड़की खींचती आंटी ने। धक्का मारा, आंटी जाओ, बाय बाय, जा रही आंटी।
देखो ये भी जा रहे हैं लोग सारे। बाय बाय, इस लगेज वाले ने दस मिनट कह दिया, अभी जा रहे हैं। बाय बाय, अब ऑटो में जा रहे हैं। ये शाम के टाइम हो गया और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत फन कर लिया, बहुत एंजॉय कर लिया और अभी घर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ से घर का रास्ता भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट चलिए गाइस, होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, हमने तो बहुत एंजॉय किया। चलिए अब घर की तरफ निकलते हैं और यहाँ से टिकट दोबारा, जो टिकट हमने ली थी उसको वापस आई थिंक सबमिट कराओ और निकल जाओ। चलिए दोस्तों निकलते हैं, एक आने का रास्ता है यहाँ से, एक जाने का रास्ता। अगला दिन, और अगला दिन तो मतलब कल शाम को हम आ गए थे घर पे और इतनी बारिश आई, इतना तूफान आया फ्रेंड्स, मतलब पूरा का पूरा ना पेड़ ही गिर गए थे। स्पेशली हमारे यहाँ सेलम में पूरे के पूरे पेड़ उड़ गए थे, छतें उड़ गई थी। हम टाइम से घर पे आ गए थे बट जब ही हम घर पे आए, इतनी तेज़ बारिश हम टाइम से घर आ गए। तो मतलब बिजली भी चली गई थी, पावर आउटलेट भी हो गई थी कई कई जगह पे, बट हमारे नहीं गई थी। बट रौनक वाली साइड पे पावर आउटेज भी हो गई थी आधे घंटे के लिए, बट बहुत सारा टोर्नेडो तरह आ गया था, तूफान ही आ गया था, थंडरस्टॉर्म। बट अभी भी देख लो, आज नया दिन हुआ है और सुबह से बारिश हो ही जा रही, दिखाते हैं आपको। बारिशें तो मतलब इतनी पड़ रही हैं, पता ही नहीं चलता। कल इतनी गर्मी थी, धूप निकली हुई थी और आज फिर से इतनी बारिश पड़ी है, सुबह से पड़ रही है और अभी भी पड़ रही है। अभी थोड़ी सी रुकी है तो हम निकल आए, बस सड़कें देखो सारी की सारी गिल्ले पड़ी हैं। कल घर पे आकर हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जेडन का गला ख़राब हो गया था, ये पानी पुनी में खेलता रहा और फिर इसका गला ख़राब हो गया, फिर हमें इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। ऐसे ही होता बच्चों का, पता ही नहीं चलता, एक टाइम पे ठीक होते हैं दूसरे टाइम पे फिर इसको डॉक्टर पे लेके जाए, फिर इसका गला दिखाया, इन्फेक्शन है और प्रॉब्लम ही हो जाती है बच्चों के साथ। तो बट कोई बात नहीं, अब खेल रहा था पानी में, इन्जॉय कराया और अब हो गया। चलिए गाइस, आज की व्लॉग को हम पुरानी व्लॉग के साथ नए दिन को शुरू करते हैं। अभी हम थोड़ा फूड लेने जा रहे हैं मैकडॉनल्ड से, भूख लगी थी तो हमने कहा बर्गर शर्गर ले ले। यस, इन्होंने ना ऑटोमेटिक पे लगाया होता, बस ये ऐसे मशीन बोल लेती है फिर इसके बाद अभी लड़की बोलेगी। ये तो ऐसे हमें पहले लगता था कि हम बोल रहे हैं आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा, बट ये ऑटोमेटिक है, आगे वाली विंडो पे ऑर्डर देंगे। आ गए ना दूसरे विंडो पे, हम यहाँ पे तो Yes, I got a mobile order. All right, what's your code? It's a YP58. First window. Thank you. देखा कैसे पागल बनाते हैं, पहले मुंडा बोलता है कि मोबाइल ऑर्डर है, फिर हम बोलते हैं यस, फिर उसके बाद लड़की बोलती है। हमें पहले लगता था मुंडा बोल के लड़की के पास कहते थे, बताइए ऑटोमेटिक लगाया हुआ है इन्होंने। फूड ले लिया और क्विक सर्विस थी, ज़्यादा रश भी नहीं था और फूड लेके हम घर जा रहे हैं। बट कल की व्लॉग कह दिया, बट कल हमारा एक पैकेज आने वाला, बहुत बढ़िया चीज़ आने वाली है। हमने दो हफ्तों से ऑर्डर की हुई थी, बैक ऑर्डर पे चल रही थी, आ नहीं रही थी, बट हमें कल मैसेज आया कि ऑन द वे आ गई, मज़ा आ जाएगा फ्रेंड। ये बाइक से रिलेटेड है और जब आएगी तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बट मैंने कहा आप लोगों को बता देते हैं। लाइसेंस प्लेट नहीं है, लाइसेंस प्लेट तो एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते लगते हैं आने में। वो हमने कब से ऑर्डर की, आप लोगों को पीछे भी बताया था कि हमने ऑर्डर कर दी थी और अभी 4 से 6 हफ्ते लगेंगे उसको भी आने में। जब वो भी आएगी, वो भी कस्टमाइज करवाई है हमने, बढ़िया नाम है, और जब आएगी तो वो भी शेयर करेंगे। चलिए गाइस अब घर चलते हैं और इस व्लॉग को ज़्यादा नहीं खींचते, पता नहीं कितने मिनट की व्लॉग बन गई। कल भी हमने थोड़ा बहुत कंटेंट बनाया था, जो बीच पे गए थे और क्रीक पे गए थे, रिवर कह लो, बीच कह लो, क्रीक कह लो, वगैरह फेंकी हुई थी, आप बैठ जाओ, ऐसे फील आए कि बीच बढ़िया था, बच्चों के लिए फन था, सारे बच्चे थे और वैसे तो अडल्ट भी थे बट लड़कियाँ ज़्यादा थी, मोस्टली बच्चों के लिए फन था, सभी ने फ्लोटिस वगैरह बांधी हुई थी। बट एनीवे गाइस, इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली हमारी व्लॉग जितने मिनट की हम बनाना चाहते हैं उतने मिनट की बन गई होगी। अगर आपको हमारी आज की व्लॉग, कल की व्लॉग अच्छी लगी है तो मेरे लाइक कमेंट जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, कर लिए तो आगे से आगे शेयर करना। कल हमारा पैकेज आएगा, उसकी भी हम व्लॉग आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग की व्लॉग बनाएंगे। कितना टाइम हो गया अनबॉक्सिंग की व्लॉग बनाई, तो मैंने कहा कि कल हमारा पैकेज आ रहा तो उसके साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। होपफुली कल बारिश ना हो रही हो, बट जब भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एनीवे, इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड नाइट फ्रेंड्स।